हमारे पास ये ट्रेन है, मूविंग ट्रेन। तो अगर ट्रेन मूव कर रही है, प्लीज ध्यान से देखिए, तो इसकी एक अपनी स्पीड होगी, इस ट्रेन की अपनी एक लेंथ होगी। लेंथ कह लीजिए या डिस्टेंस कह लीजिए, और ये क्रॉस कर रही है। दो चीजें हो सकती हैं, एक सर हो जी सलाम वालेकुम अच्छा सर, ये BLLB में आएगा? BLLB का पेपर देखा है आपने? देखो, सर अभी तो नहीं। आएगा बिल्कुल, आ चुका। स्टडी पॉइंट की वेबसाइट पे पिछले पेपर्स पड़े हुए हैं, वो चेक करो। और क्या आएगा ये भी कुछ पता नहीं होता वैसे, बट BLLB में सबसे अच्छे मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। इवन MBSE भी अच्छा लेवल आता है LLB। तो ये ध्यान रखिए। देखिए हमारे पास क्या है, ट्रेन है, और ये सपोज करो दो चीजों को क्रॉस करती है। एक तो वो जिसका कोई डिस्टेंस नहीं होता, किसकी कोई लेंथ नहीं। मान लो ट्री को कर रही है, मान लो किसी पोल को कर रही है, मान लो किसी मैन को कर रही है, पर्सन को। हम क्या मानते हैं कि ट्री हो, पोल हो, मैन हो, उसकी अपनी कोई लेंथ नहीं है। तो अगर मुझे इसको क्रॉस करना है, तो ध्यान से आप जरा ये पोजीशन देखने की कोशिश करिएगा। ये ट्रेन अलग है, पोल अलग है, फिलहाल जो आपको इमेज नजर आ रही है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं सर, हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ इसको इस पॉइंट पे टच कर रही है। तो इस केस में अभी हमारी ट्रेन क्रॉस नहीं हुई है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब है ये थोड़ा सा यहाँ पहुंच जाएगी, सपोज करो ये और आगे बढ़ेगी, तो सपोज करो यहाँ पहुंच जाएगी और फिर आगे बढ़ेगी। तो ये मान के चलिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये टिप है इसका, ट्री का या पोल का यहाँ। तो जब ट्रेन बिल्कुल इस टिप से आगे चली जाएगी पूरी की पूरी, तब आप कहेंगे कि ट्रेन क्रॉस हो चुकी है। तो इस क्रॉसिंग टाइम में जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन के फुल लेंथ के इक्वल होगा, टोटल लेंथ के इक्वल। टू क्रॉस ईच अदर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये हमारे पास होता है। लेकिन मैं इसका एक शॉर्ट आप सबको बताऊंगा। तो एक तो होता है कि भाई हमारे पास मूविंग ट्रेन है और ये हमारे पास स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्री, पोल, मे बी पॉसिबल कि नहीं सर ये स्टैंडिंग नहीं है, तो ये मतलब नॉन लेंथ ऑब्जेक्ट, बट ये मूविंग हो सकते हैं, मतलब मैन है वो चल रहा है, ठीक है, तब हम उसकी भी अपनी एक स्पीड मान सकते हैं। तो जो आप अच्छा इसको कर रहा है, दूसरा ये हो सकता है कि नहीं सर ये वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी खुद की भी लेंथ है, या फिर दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, या फिर ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो ये हमारे पास है। तो आप जब भी बुक्स में देखेंगे तो उसमें होगा कि भाई किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को कर रही है, किसी नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट को कर रही है, किसी की स्पीड जीरो लेंगे, किसी की लेंथ। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, अब इसको हम सारों को अलग अलग ना करके एक ही जगह कर देते हैं कि भाई मान लो हमारे पास ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट है, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है। बस ये सिचुएशन है। अब वो मूविंग हो ना हो, उसकी लेंथ हो ना हो, तो इन सबका एक कॉमन फॉर्मूला बना लेते हैं। सर सलाम अलैकुम, खैरियत से हैं सर? अरे हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कहा इसीलिए तो फोन उठा लिया सर क्लास में, मैंने कहा इन नालायक ही हो रही है, कहाँ तशरीफ है? अच्छा माशाल्लाह सर, तो आ जाइए तशरीफ ले आइए। सर सर एक नई दुकान है D6 अबुल फजल एनक्लेव, तो आपके मुबारक कदम भी आ जाएंगे और अच्छा लगेगा। तशरीफ ले आई सर। ये रेती के टीले से जो पहला टर्न है ना, पहली ठोकर कहते हैं, तीन नंबर ठोकर, बस जैसे ही नीचे उतरेंगे लेफ्ट साइड में चौथी बिल्डिंग है, ग्राउंड सर D6 जी, द हिंद गुरु एकेडमी। तशरीफ आइए आइए। Peace. Salam.
जी बेटे, तो इन सब का मैंने एक ही फॉर्मूला कर दिया, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो फर्स्ट वाला, उसकी एक अपनी स्पीड होगी, उसकी अपनी एक लेंथ होगी। दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी एक स्पीड होगी। स्पीड का क्या मतलब है, अगर सपोज करो वो रुका हुआ है तो उसकी स्पीड जीरो मान लेंगे, और अगर चल रहा है तो उसकी कुछ ना कोई स्पीड दी होगी। दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ हम मान लेते हैं L2। अब इसमें भी हो सकता है उसकी लेंथ जीरो हो जाए, मतलब वो मैन हो, पोल हो, ट्री हो, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म होगा, ब्रिज होगा, तो उसे कंसिडर करेंगे। अब होता क्या है, क्रॉसिंग में टाइम हम लेते हैं, तो हमारे पास जो क्रॉसिंग में हमें करना है हमें उनकी टोटल स्पीड कंसिडर करनी है। तो टोटल स्पीड में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हैं, तो जो टोटल स्पीड होती है वो हमेशा S1 माइनस S2 होती है, माइनस हो जाती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तो प्लस हो जाती है। मैं भी आपको इसका एग्जांपल भी दे, बस ये कॉन्सेप्ट ही समझना है बेटे, बाकी क्वेश्चन तो वही है जो हमने पहले किए, अभी इंशाल्लाह करेंगे। मतलब आप खुद सोचो, अगर आपके साथ साथ एक कार पैरेलल चल रही है और जिधर आप जा रहे हो उधर ही आप जा, उधर ही दूसरी कार जा रही है, तो उन दोनों की स्पीड क्रॉसिंग के टाइम में स्लो हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर एक स्पीड 60 की जा रही है, दूसरी स्पीड 40 के साथ जा रही है, तो जब वो मान लो आप आगे जा रहे हैं 40 की स्पीड से और दूसरी कार आ रही है पीछे से तेज आएगी, तभी वो आपको क्रॉस कर पाएगी। मान लो 50 की स्पीड से है, तो जैसे ही वो आपके बराबर में आएगी तो आपको लगेगा कि वो आप उसके अंदर जो बैठे हैं उनको सबको देख पा रहे हैं। जैसे ही आप महसूस करते होंगे सड़क पे अंदर कौन कौन बैठा है, कौन गाड़ी चला रहा है, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो सब आपको नजर आता है, क्योंकि क्रॉसिंग स्पीड हो चुकी है 50-40 10 किलोमीटर पर आवर। इवन अगर दोनों की स्पीड सेम हो, अगर पहली वाली की 40 है दूसरे वाली की भी 40 है, तो आप दोनों एक दूसरे को ऐसा महसूस करोगे गाड़ियां रुक गई, आप बातें भी कर लो आपस में, कंपेरेटिवली दोनों रुके हुए हैं। सड़क के उसमें रेस्पेक्ट में तो आप चल रहे हैं गाड़ियां, लेकिन आपके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप नहीं चल रहे हो। जैसे जो कार के अंदर दोनों लोग बैठे हैं वो आपस में रुके हुए हैं, लेकिन सड़क के कंपैरेटिवली दोनों चल रहे हैं, तो रुके हुए इसलिए क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है अगर एक ही कार में बैठे हैं। तो अगर स्पीड सेम हो जाएगी तो आपकी जो क्रॉसिंग स्पीड होगी वो जीरो होगी, आप कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप खुद आपने फील किया होगा कि अगर एक कार इधर से आ रही है 40 की स्पीड से और एक कार सामने से आ रही है 50 की स्पीड से, तो क्रॉसिंग इतनी जल्दी होता है कि कभी कभी हम देख भी नहीं पाते कि कौन उस कार में था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्रॉस हो जाता है, क्योंकि अब जो स्पीड है वो 90 हो चुकी है, और अगर 100-100 की स्पीड से दोनों चल रहे हैं तो 200 की स्पीड से क्रॉस होता है। तो इसीलिए आपको महसूस हुआ होगा कि जब सामने से कार आती है तो आप ज्यादा देख नहीं पाते। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को प्लस करना है, सेम डायरेक्शन में माइनस करना है। तो पहले तो उनकी टोटल स्पीड लेनी है, अब हमको लेना है टोटल लेंथ। ये हमारे पास वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आने तो तीन ही चीजें, तो पहले स्पीड हो गई, फिर हो गया टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस में हमेशा आपको प्लस कर देना है, कुछ नहीं करना है। L1 प्लस L2, D इज इक्वल टू पहले की लेंथ दूसरे की लेंथ। मैं भी हो सकता है कि दूसरा ऑब्जेक्ट जीरो लेंथ वाला हो, पेड़ मैंने आपसे कहा, मैन आपसे कहा, पोल आपसे कहा, वो L1 प्लस L2 हो जाएगा। और फिर वही टाइम जो हमारा पास होगा कि क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, तो टाइम हमारे पास आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बस क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो सारे फॉर्मूले के लिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, चलता हुआ हो, उसकी लेंथ हो ना हो, सबके लिए इतना सा करना है, स्पीड को प्लस करना है, डिस्टेंस को प्लस करना है, टाइम को निकालना है, DYS। सर बात समझ में आ गई क्या? जी सर। ठीक है, देखो क्वेश्चंस क्या बनते हैं इस पे, एक क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आपके डाउट्स भी ले लूंगा, अगर आपके पास डाउट्स हैं एक दो।
सब बच्चों को डीएसटी ही फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो कि क्या क्या हमारे पास दिया है, फिर हम बात करेंगे। हमसे कह रहा था लेंथ ऑफ ए ट्रेन दैट ऑफ ए प्लेटफॉर्म आर इक्वल, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड दैट ऑफ ए प्लेटफॉर्म आर इक्वल। तो ये हमारे पास ट्रेन है और ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है, एंड देयर लेंथ आर इक्वल। तो आपके पास क्या हो गया, मैं पहले ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू की बात कर लूं आपको समझाने के लिए। ट्रेन प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ इक्वल, मान लो ये एल है और ये भी एल है। इफ विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म। अब ये हमारे पास हो गया जो मैंने आपसे कहा था कि भाई लेंथ कितनी है, तो एल वन एल टू और दोनों को हमने इक्वल ले लिया, तो एल वन भी एल है एल टू भी एल है। फिर हमें लेना था स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड यहाँ गिवन है एस वन 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप खुद मुझे बताओ दूसरा वाला प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की स्पीड कितनी होगी, प्लेटफॉर्म चल रहा है रुका हुआ है, जरा आवाज आ रही है फातिमा जी? सर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म, सादिक आप यही हो, मैं ही बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, सुन हो चुके हो, पता नहीं कुछ। स्पीड जीरो होगा, प्लेटफॉर्म हमेशा रुका हुआ होगा, प्लेटफॉर्म चल ही नहीं रहा होगा, तो स्पीड उसकी जीरो लेनी है, ये हमारे पास होगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, टोटल लेंथ जब हम क्रॉसिंग की बात करेंगे, जब हम क्रॉसिंग की बात करेंगे तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन बनना है कि टोटल क्या हो रहा है। तो क्रॉसिंग में टोटल लेंथ प्लस होनी है L1 प्लस L2, स्पीड प्लस होनी है, ना यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है ना यहाँ सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड होनी है 90 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान ये रखना है अगर आप यहाँ 90 किलोमीटर पर आवर रह रहे हो तो लेंथ आपकी किलोमीटर में आएगी और टाइम आपका आवर में आएगा, ठीक है सर? अच्छा आपसे क्या कह रहा है, The train crosses the platform in one minute. तो crossing time उसने दे दिया. Time is one minute. तो सारी चीजें दी हैं. Distance is equals to speed upon time. Speed into time या speed is equals to distance upon time. सिर्फ आपको unit same करना है क्योंकि जो options दिए हुए हैं आपको वो meter में दिए हुए हैं. तो meter में कर लेंगे और इसको second में कर लेंगे. तो one minute का मतलब क्या हो गया सर? 60 सेकेंड, 90 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हो गया? 90 into 1000 upon 60 into 60, 25 मीटर पर सेकेंड। मैंने ये कहता आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करा होता, याद रहता है तो अच्छी बात है, तो इसको जो इतनी सीधा सीधे से करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया, तो हमें क्या निकालना था, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो एल निकालना है, एल ही हमारा प्लेटफॉर्म है, एल ही हमारा ट्रेन है। तो अब हमारे पास क्या होगा सर, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। Yes or no? जी सर। तो स्पीड कितनी है सर? सर 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 90 जी बेटे कर लेंगे। 90 into 1000 upon 60 into 60 into 60। ये हमारे पास होगा सर। ठीक है सर? सॉल्व करके बताओ जो भी आंसर है वो मीटर में मेरा आंसर है। 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है सर? और क्या रह गया हमारे पास? 3 से 3 और 3 से 2 और 2 से 500। 500 इंटू 3 कितना होता है जी? ठीक है जी, देखो सही कैलकुलेट किया नहीं किया, 1500 आ रहा है। द लेंथ ऑफ दैट सर मेरा भी यही आ रहा है। हाँ यही आ रहा है, असल में हमने 2L ने लिया ना, 2 से डिवाइड भी तो करोगे से। अच्छा दोनों का हो जाएगा ना सर, ये 2L है ना? जी बेटे 2L है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 750 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा है सब बताइए, समझ में आया या नहीं आया?
कुछ नहीं करना है बेटे, ये सारे क्वेश्चन बहुत मतलब टिपिकल से होते हैं बुक्स में। मैं हमेशा सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ आपको कि आपके पास टू ऑब्जेक्ट होंगे जब भी क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन होंगे, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, सेकंड की कितनी है, एस वन एस टू। अब इसमें दो ऑप्शन हो जाएंगे, अगर वो दोनों मूविंग है तब होंगे, अगर एक भी जीरो है तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो दोनों में आपके पास क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस करोगे एस वन प्लस एस टू टोटल स्पीड, अगर आपके पास सेम डायरेक्शन है तो ज्यादा वाले में से छोटे वाले को माइनस करोगे एस वन माइनस एस टू। तो ये तो आपको टोटल स्पीड लेनी है क्रॉसिंग की, फिर आपको लेना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होना है, पहले वाले का डिस्टेंस एल वन लेंथ यानी कि दूसरे का एल टू, तो ये हमेशा प्लस ही होना है एल वन प्लस एल टू। तो क्रॉसिंग टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट्स इट। तो L1 प्लस L2 अपॉन जो भी आपका S1 प्लस S2 आ रहा है या S1 माइनस S2 आ रहा है, इतना सा फॉर्मूला करना है। अब इसमें सिर्फ आपको रखते जाना है कि भाई एक चल रहा है तो उसकी S1 स्पीड, दूसरा रुका हुआ है तो जीरो, और चल रहा है तो S2 स्पीड। पहले की लेंथ अगर है तो L1, दूसरा अगर लेंथ नहीं है पोल ट्री मैन आपसे मैंने कहा तो जीरो, और अगर है तो प्लस कर। दोबारा से देखो एक क्वेश्चन और, ये देखो आपको वही डी एस टी निकालना है, बस एक एक सेकंड में निकालने की कोशिश करना डी एस टी। ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, इट विल क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 200 मीटर। अब आपके पास क्या है, क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट, एक आपके पास ट्रेन है और एक आपके पास ब्रिज है। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोनों का लेंथ हमेशा प्लस होना है, तो डिस्टेंस मेरा प्लस हो गया 300 प्लस 200 500। सब बच्चे बताओ समझ में आया नहीं आया? जी सर। मीटर डिस्टेंस हमेशा L1 प्लस L2 होना है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब दूसरी बात क्या हो रही है, ट्रेन आपकी रन कर रही है 25 मीटर पर सेकेंड, ब्रिज रन नहीं करेगा, ब्रिज होगा जीरो, तो स्पीड होती है S1 प्लस S2, एक ही चीज है, तो 25 मीटर पर सेकंड, कुछ नहीं करना है। यस और नो बताते जाओ बस जल्दी जल्दी। हाँ जी, क्रॉसिंग जो स्पीड होगी वो सिर्फ ट्रेन की होगी क्योंकि दूसरा तो ब्रिज है। आपसे क्या कर रहा था, इट विल क्रॉस ए ब्रिज ऑफ इन हाउ मेनी सेकंड, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है सर, 20 सेकंड। टाइम क्या होता है, पहले फॉर्मूला डी बाई एस, डी लेंथ अपॉन स्पीड सर, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सर 20 सेकंड, दैट्स इट, दैट्स इट, यही मेरा आंसर है। आ गया समझ में? जी सर, जी सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बस दो मिनट बैठिए, इंशाल्लाह हाजिर हुआ। वहां पे कोई अनुज है? अनुज, अनुज होंगे, अब्दुल कादिर भाई होंगे, वहीं वसीम सर होंगे, वहीं अनुज, मैं एक मिनट, आप एक मिनट लीजिए बस, एक मिनट भाई, अनुज सर को बिठाइए। अब्दुल कादिर भाई कहाँ हैं? आप बिठाइए सर को प्लीज अंदर। हाँ शुक्रिया सर। देखो एक क्वेश्चन और, तो उम्मीद ये है कि आपको समझ में आ गई होगी कहानी। ये बेटे हर जगह अलग अलग तरीके से मेंशन होते हैं, लेकिन हम सीधा सीधा सा रखते हैं इनको, हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। यस, ए ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट, देन द लेंथ ऑफ द टनल, जल्दी आंसर दो, कौन बताएगा? टनल है तो टनल की ना स्पीड है लेंथ है, लेकिन लेंथ ही निकालनी है। देर में आंसर आ जाना चाहिए था बेटे। बिलाल आंसर दीजिए,
का डिस्टेंस जब आप लोगों का क्रॉसिंग डिस्टेंस वो ट्रेन का डिस्टेंस होगा 800 और टनल का डिस्टेंस पता नहीं है एल मीटर में है ये, लेकिन यहाँ स्पीड जो लगेगी सिर्फ ट्रेन की लगेगी बिकॉज टनल की कोई स्पीड नहीं है, तो 78 किलोमीटर पर आवर इसको आप मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, ये आपके पास हो गया। आपके पास टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, अभी हमने किया था 1 मिनट को आप कर लेंगे 60 सेकंड, तीनों में रिलेशन रख दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम डिस्टेंस को ले लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, 78 इनटू 1000 अपॉन 60 इनटू 60 अगेन इनटू 60, तो 60 कैंसिल, 00 कैंसिल, 6 से कितना ये आएगा आई थिंक 13, तो ये हो गया 1300, 800 को इधर लाके माइनस कर दो तो L is equals to कितना भाई? सर कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ भाई, जिसे नहीं आ रहा प्लीज बताइए, तो फिर मैं से दोबारा सर 500 जी 500 वेरी गुड, बच्चे तो हैं माशाल्लाह सारे के सारे, मुझे बताओ तो सही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जी? इल्मा आपको समझ में आ रहा है बेटे? इल्मा, सादिक, जी सर, फातिमा, जी सर, इकरा, इकरा, खुशनुमा, साकिब, जुबैर, यस सर, सुमैया, यावर, बिलाल, फिलहाल का तो माइक ही नहीं पता कहाँ है हमने जी, बताइए समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? जी सर, बेटे जो क्रॉसिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूला है, बिल्कुल दिमाग को मत घुमाया करो, डीएसटी जो आपने पढ़ा है डिस्टेंस स्पीड टाइम, आपने सीधा सीधा सा पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सब बच्चों ने पढ़ा है, और यही बस एक बेसिक फॉर्मूला हमें इस सारे क्वेश्चंस में स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस में हम यूज कर रहे हैं। मैंने सब बच्चों को बताया हुआ है कि भाई हमारे पास ये होता है डीएसटी, ये इस तरह से अगर आप ट्रायंगल कंसीडर कर लो ऐसे, तो अगर आप डी को कवर करोगे, अगर आप डी को कवर करोगे तो नीचे एसटी आ रहा है, वो इनटू में आ रहा है, तो इसका मतलब यहां से फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आप S को कवर करोगे तो D अपॉन T नजर आएगा, अगर आप T को कवर करोगे तो D अपॉन S नजर आएगा, तो इस ट्रायंगल से तीनों फॉर्मूले बन जाते हैं पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है तो इसकी अपनी एक स्पीड होती है, इसकी अपनी एक लेंथ होती है, इसकी दूसरे वाले की अपनी स्पीड होती है, उसकी एक लेंथ होती है, तो क्रॉसिंग में आपको दोनों स्पीड को प्लस करना है, फिलहाल आप प्लस ही समझिए, S1 plus S2, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, या ये समझ लीजिए कि माइनस करना है, हम अगर इसको प्लस ना कहें कि माइनस कहूं तो शायद ज्यादा अच्छा है, ये दोनों स्पीड को हमेशा माइनस करना है, S1 minus S2 करना है। S1 minus S2, लेकिन अगर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वो स्पीड माइनस में हो जाती है, तो माइनस माइनस प्लस, और टोटल जो लेंथ होती है उनको हमेशा प्लस करना है, L1 प्लस L, तो ये हमारा स्पीड हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, तो टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिर्फ इतना सा समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखो जरा प्लीज, सब बच्चे थोड़ा सुकून से कम स्पीड में करेंगे, स्लो स्लो करेंगे थोड़ा सा। थोड़ा टाइम लीजिए अपने आप से। ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर, प्लीज समझने की कोशिश करिए, ये ट्रेन है आपके पास और इसकी स्पीड दे दी S1 132 किलोमीटर पर आवर,
मुझे सबकी आवाज आए तब मुझे लगेगा कि आप सीख रहे हो, एक दो बच्चे बोलते हैं बस। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, इसकी जो लेंथ है वो 110 मीटर है, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है और लेंथ हमें 110 मीटर में गिवन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म, अगेन ये जो हमारे पास ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ये आपके पास ट्रेन है तो ये मूविंग है, प्लेटफॉर्म मूविंग नहीं होगा तो उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है इसकी अगर हम स्पीड एस टू लें तो वो जीरो हो गया। आपको एल टू प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है 165 मीटर, तो ये 165 मीटर है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ है 110 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 165 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं, क्रॉसिंग में टोटल डिस्टेंस हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट का प्लस होना है। कोई बच्चा बताएगा टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस अब? हाँ भाई 275 मीटर, ठीक है। 110 आपका ट्रेन का हो गया, प्लेटफॉर्म का 165 हो गया, तो 275 मीटर आपका क्रॉसिंग डिस्टेंस होगा। जब ये डिस्टेंस कवर हो चुका होगा तब हम कहेंगे कि ये क्रॉस हुए एक दूसरे से। आपको टोटल स्पीड लेनी है, जब एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है फिर उसमें सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। तो आपके पास स्पीड जो है वो है 132 किलोमीटर पर आवर, आपके पास स्पीड है ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की स्पीड है जीरो, तो मैं 132 किलोमीटर पर आवर लिख रहा हूँ। लेकिन क्योंकि आपके पास मीटर में है तो इसे मीटर पर सेकेंड करना होता है। अगर याद है तो 25/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, याद नहीं है तो किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, आवर का मतलब होता है 60 मिनट और एक मिनट में सेकंड होते हैं 60 सेकंड। सर 7.5 सेकंड आंसर। वेरी गुड बेटे, तो मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ गई। आपसे कह रहा था कितना टाइम लेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो मुझे टाइम निकालना है। कोई बच्चा मुझे बताएगा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वेरी गुड। तो आपके पास टाइम का फॉर्मूला हो गया डी बाई एस, तो डी हमारा हो गया बेटे, डी हमारा हो गया 275 मीटर, स्पीड हमारी हो गई बेटे 132 into 1000। अगर आप कहें तो 16 into 60 को मैं ऊपर लिख दूंगा। Yes or no? Yes sir. That's it. Solve कर लीजिए, आंसर आ गया। सब बच्चे बताइए समझ में आया नहीं आया? जी सर। Yes sir. तीन बच्चों की आवाज आई है अभी तक? जी सर। चार? Yes sir. पांच? और? Yes sir. छः? और बाकी बोलिए भाई। बेटे समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, समझ में आ रहा है तो बोलो, दो चीजें हैं लेकिन बोलो। तो इल्मा आपको समझ में आया? इल्मा कौन है, माइक कौन है, बोल नहीं रही है। इल्मा आपको समझ में आ रहा है? Yes, no. बोलते हुए शर्म आ रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं। फिर मेरा माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं था, अब मैंने निकाला है तो कनेक्ट हुआ, समझ में आ रहा है। Very nice बेटे, प्लीज आप देंगे मुझे थोड़ा सा तभी मुझे पता चलेगा कि आप कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और तभी क्लास को ज्वाइन करने का फायदा भी होगा। वेरी नाइस बेटे। मोहम्मद साकिब? यस सर। आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। बिलाल आपका माइक तो अटैच ही नहीं है। बिलाल तो पता नहीं कंप्यूटर से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, माइक है नहीं है, स्पीकर में भी पॉसिबल बट माइक नहीं है उनके पास। चलो जी सर, देखो एक क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया। इसमें सिर्फ एक चीज रह जाती है बेटे स्पीड डिस्टेंस टाइम में, बोर्ड्स वाले क्वेश्चन, स्ट्रीम वाले क्वेश्चन। जी बेटे, वी हैव दिस क्वेश्चन, ए ट्रेन पासेस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकंड एंड 60 सेकंड्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो समझ में आ गया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है।
इल्मा बेटे ट्राई करो जरा। समीरा आंसर तो बेटे जल्दी से। कितनी देर में खा लोगे? खाना खा के गाड़ी निकाल लो छोटी बड़ी वापस तक जाना। सॉल्व हुआ बेटे? सॉल्व हुआ नहीं ना? चलो देखो इधर, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा इसमें लॉजिक है। 200 मीटर आएगा, 200 मीटर। वेरी गुड शाबाश, सादिक का आंसर आ गया। और किसी बच्चे का? 200 मीटर ही आ रहा मेरा भी। वेरी नाइस शाबाश। देखो जरा सब बच्चे ध्यान से, एक्चुअली यहाँ दो अलग अलग जिसे कहना चाहिए दो चीजें हैं, दो केस अलग अलग चल रहे हैं। ट्रेन पासिस टू ब्रिजेस, तो अगर टू ब्रिजेस की बात कर रहे हैं तो ट्रेन ठीक है ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर। अब मैं आपसे कहूं कि ट्रेन की लेंथ जो है मेरी L है, अब मैं छोटा छोटा सा कर रहा हूं, और पहले वाले ब्रिज की लेंथ 800 है, तो क्रॉसिंग जो डिस्टेंस होगा वो L प्लस 800 होगा। सब बच्चे बताओ ये बात सही है या नहीं? यस सर। ठीक है, इन 100 सेकेंड, तो पहले वाले ब्रिज को वो 100 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, तो स्पीड उसका जो टाइम है वो है 100 सेकेंड। ठीक है सर, स्पीड हमें नहीं पता है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास ट्रेन की लेंथ नहीं पता है, ट्रेन की लेंथ हो गई L, बट ब्रिज की लेंथ पता है 800, टाइम जो है ब्रिज को क्रॉस करने का वो 100 सेकंड है। क्या आप मुझे स्पीड बता सकते हो इस केस में, स्पीड क्या होगी ट्रेन की? L plus 800 upon 100। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना बेटे? तो L plus 800 upon 100। क्या ये सब बच्चों को समझ में आ गया या नहीं? Yes, sir. अब आपसे क्या कह रहा है बेटे सेम क्वेश्चन में कि नहीं वही जो ट्रेन है वो दूसरे वाले ब्रिज को क्रॉस कर रही है और ब्रिज की लेंथ है 400 मीटर, तो इन दैट केस जो डिस्टेंस होगा क्रॉसिंग वो L प्लस 400 होगा। यस और नो? यस सर। यस, एंड क्रॉसिंग इन 60 सेकंड, तो इस टाइम जो टाइम लग रहा है वो 60 सेकंड है। क्या मुझे बता सकते हो कि नाउ ट्रेन स्पीड क्या होगा? ट्रेन स्पीड तो बेटा अभी भी 400 प्लस L अपॉन 60। यस यस शाबाश, तो ये होगा। लेकिन क्या दोनों केसेस में ट्रेन सेम है? जी सर, स्पीड सेम है। अगर दोनों ट्रेन सेम है तो दोनों की स्पीड सेम है, तो ये बेटे हमारी इक्वेशन आ गई, L प्लस 800 बाय 100 एंड L प्लस 400 बाय 60। बताओ सब बच्चों को बात समझ में आई या नहीं है? जी सर। ठीक है बेटे, कैंसिल करो, 23 जा 60, 25 जा 100, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3L प्लस 2400, 5 से मल्टीप्लाई, 5L प्लस 2000, 200 मीटर। तो आपके पास 24 एंड 2000 400 मीटर एंड 5L 3L 2L, तो L इज इक्वल्स टू 200 मीटर। वेरी नाइस बच्चा जी, शाबाश। सबको समझ में आया क्या? जी सर। गुड, एक क्वेश्चन और चलो आज के लिए जल्दी से फटाफट। Oh,
देखो सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, मुझे देखना कितने सेकंड में आप लोग सॉल्व करते हो। सेम क्वेश्चन डिक्टो, जल्दी से इक्वेशन बना के फटाफट बताओ जल्दी से। A train takes 18 seconds to pass through a platform 162 meter long and 15 seconds to pass through another platform 120 meter long. The length of the train is within second of same equation रख सकते हो जैसे अभी हमने रखी थी। जी बिते? Within seconds बिते equation बना सकते हो। आपके लिए लिख रहा हूं L प्लस 162 बाई 18 इज इक्वल्स टू L प्लस 122 बाई 15 यस और नो सर? यस सर। ये क्वेश्चन बननी थी, जल्दी बताओ क्या आंसर आया। 90। वेरी गुड, शाबाश। 3 6 18 3 5 जा 15 5 L plus 5 2 जा 10 5 6 जा 30 31 5 1 जा 5 8 6 L plus 7 22 90 ठीक है। 6 L कितना बचे? 90 L is equals to 90। यस और नो सब बच्चे? यस सर। दैट्स इट, गुड। तो ये है बेटा हमारे पास आपको जो क्वेश्चंस करने हैं। वर्कशीट है आप सब बच्चों के पास? जी सर। प्लीज ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, कल भी इंशाल्लाह क्लास होगी आफ्टर मगरिब, बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है सर? ओके, थैंक यू सो मच।